और आगे बढ़ते हैं। एमपी सरकार ने भी जारी किया है नोटिफिकेशन, पीएफआई पर यूएपीए के तहत एक्शन का आदेश दे दिया गया है। एमपी सरकार ने भी अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो एक के बाद एक अब राज्यों ने भी बैन करना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु केरल के बाद एमपी सरकार ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, पीएफआई पर पूरे तरीके से बैन की तैयारी या फिर बैन कर दिया गया है। ट्विटर हैंडल पहले ही बैन हो चुका है, इससे पहले तमाम और जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड चीजें हैं उनको जब्त किया जा चुका है। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है? बिल्कुल, नोटिफिकेशन सचिन जारी हो चुका है और बड़ी बात यह है कि अब जिलों में कलेक्टर को, डीएम और जो कमिश्नर जहां पर हैं जैसे भोपाल इंदौर, तो कमिश्नर को ये कहा गया है कि जहां जहां भी आपको लगता है कि इस तरह के संगठन सक्रिय रहे हैं वहां तमाम तरह की दबिश देकर कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। और ये बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए हुआ है और खासतौर से इंदौर बेल्ट में, मालवा में इस पर पुरजोर तरीके से नकेल कसने की बात कही जा रही है। एमपी होम डिपार्टमेंट की जानकारी के मुताबिक राज्य शासन ने कमिश्नर के साथ ही जिला पुलिस के अधिकारी जो है, जिला मजिस्ट्रेट जो है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ ही उसके सहयोगी संगठन जो है सचिन, उन पर भी कार्रवाई को लेकर अपनी बात रखी है। अपर सचिव के जरिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इंसाफ काउंसिल, नेशनल कंसंट्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो तमाम तरह के आठ जो प्रतिबंधित हुए थे कल, उन तमाम पर अब कार्रवाई मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगी और तेज कह सकते हैं इसको बढ़ाया जाएगा जी। और अखिलेश, क्या ये कह सकते हैं हम कि जिस तरीके से, क्योंकि जैसे हम कल भी बात कर रहे थे, सिमी सबसे ज्यादा एक्टिव यहां पर था, सिमी के बहुत बड़ा कैडर तब्दील हुआ पीएफआई में, पीएफआई का जो कैडर है उस पर भी इंटेलिजेंस या फिर नजर रखी जाए, इसके ऊपर भी एजेंसी और जो लोकल इंटेलिजेंस है वो मेरे ख्याल से वो जुट गई होगी। बिल्कुल, और जिस तरह से जैसे आप कल भी चीजें बताते रहे दर्शकों को कि सिमी कैसे पीएफआई में कन्वर्ट हो गया या सिमी के लोग कैसे पीएफआई की तरफ शिफ्ट हो गए, जब पीएफआई पर प्रतिबंध लगा है उसके बाद ये जो स्लीपर सेल है, ये जो 6000 से ज्यादा सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ये कहीं कोई नया फ्रंट ना बना ले, उसको लेकर भी इंटेलिजेंस लगातार नजर बनाए हुए है। और खासतौर से एसजीपीआई जो है, जो कि पॉलिटिकल विंग है, जो अभी तक प्रतिबंधित नहीं है, तो उसकी गतिविधियों पर भी मुख्य रूप से फोकस किया जा रहा है सचिन। तो और त्योहारी सीजन सामने है और इसका विरोध करते हुए जिस तरह से कार्रवाई हुई है, जो बैन लगा है, विरोध करते हुए कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट सामने ना आ जाए और खलल ना पैदा करते हैं, उसको लेकर भी सरकार और पुलिस सचेत है यहाँ पर सचिन। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल अखिलेश इस बातचीत के लिए। तो सरकार और पुलिस दोनों सचेत है, राज्य सरकारों ने बैन लगाना शुरू कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो बैन के खिलाफ अदालत जाएगी पीएफआई, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है पीएफआई। कहीं ना कहीं अब ये पहले से ही ऑब्वियस लग रहा था कि पीएफआई इस कदम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, क्योंकि पीएफआई के पास एक बहुत बड़ा फंड रहा है, बहुत बड़े बड़े वकील वो हायर करती रही है, कुल मिलाकर के इसी को लेकर के ही वो संदेह के घेरे में आती रही है कि अगर ये सिर्फ एक सामाजिक संगठन है तो इतने करोड़ के जो फंड्स हैं वो कहाँ से आते हैं। तो पीएफआई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट और इस बैन को चैलेंज कर सकती है। रवि यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, क्या पूरी खबर? देखिए, जिस तरह की तैयारी कल घटनाक्रम के बाद 12 बजे बाद ही ये घटनाक्रम शुरू हो गया था दोपहर होते होते, और जिस तरह की तैयारी अब पीएफआई के बड़े लीडर कर रहे हैं, देश के बड़े लॉयर से जो है वो कल शाम को यानी कि 8 बजे रात को जो है उनका वार्तालाप का दौर शुरू हुआ था और तीन जगह ये मीटिंग हुई है। मैं आपको बता दूं, तीन बड़े एडवोकेट के साथ मीटिंग हुई है और दो जो मीटिंग है वो साउथ एक्स में और एक जो है मंडी हाउस के एरिया है बाबर लैंड का, वहां एक मीटिंग हुई है बड़े एडवोकेट से। और इस बात भनक में आपको बता दूं, पहले से जो है वो केंद्र सरकार को कि सुप्रीम कोर्ट जाने का रुख हो, हाई कोर्ट जाने का रुख हो या स्टेट में किसी भी कोर्ट में जो है जाने का रुख पीएफआई जरूर करेगी, इसलिए इतने पुख्ता इंतजाम, इतने पुख्ता सबूत, पहले फाइलों को मजबूत किया है और ये परमानेंट बैन नहीं है, ये 5 साल के लिए बैन है। यानी कि सरकार जो अगर ये लोग कोर्ट में गए और कोर्ट ने नोटिस किया भी तो सरकार इस बात को जवाब देगी किस तरह की बैड एक्टिविटीज में किस तरह के जो है सामग्री आपके पेन ड्राइव, लैपटॉप, बुकलेट, वेपन, ब्लैक मनी, क्योंकि ईडी, एनआईए, एनएसए और रो
चारों बड़ी एजेंसियों ने मिलकर जिस तरह के सबूत जुटाए हैं, मुझे नहीं लगता कि कानूनों के जानकार जो हैं वो सलाह इस तरह की दे पा रहे हो कि इस बैन को वो हटवा पाए। लेकिन एक बार कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन जो सूत्र अभी जानकारी दे रहे हैं, जिन वकीलों से इनकी बात हुई है, वहां से अभी पुख्ता इंश्योरेंस यानी कि पुख्ता जवाब बात का नहीं मिला है कि वो इस बैन को हटवा पाने में कामयाब होंगे। और इसी बात पर पूरी संजीदगी से केंद्र सरकार, जिस तरह से कल भारत 24 ने अपने दर्शकों को बताया था कि ये जो अमजामा इस नोटिफिकेशन को पहनाया गया, उससे पहले बड़े कानून के सलाहकारों से जानकारी ली गई, उस तरह के क्लोज डाले गए, एसडीपीआई को इससे बाहर रखा गया, ये तमाम तैयारियां पहले से सरकार ने कर रखी थी और सरकार जो है पीएफआई के नेताओं कार्यकर्ताओं से एक कदम आगे चल रही थी। और कोई इसमें मुझे नहीं लगता कि ताज्जुब होगा कि आने वाले वक्त में हम देखेंगे रवि यादव, पीएफआई की जिस तरीके से फंडिंग रही है, अब कई चौंकाने वाले नाम जो है डिफेंड करने के लिए सामने आ जाए, कई बड़े वकील सामने आ जाए। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसमें डॉक्टर, वकील, सीए, इंजीनियर, ये चार बड़ी कैटेगरी, बिजनेसमैन, ये वो लोग इन्वॉल्व हैं। इन्होंने अपने नाम से जो डोनेशन की रिसिप्ट कटवाई, जिन लोगों को टेलीफोनिकली और नोटिस देके जांच एजेंसियों ने, ईडी ने भी कई सारे एक दर्जन से ज्यादा नोटिस भेजे हैं, जिन्होंने अभी अपने लिखित जवाब में अपने आप को व्यस्त बताया और 8 तारीख जो है गुजारिश ईडी से किए, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि उन्होंने ये डोनेशन दिया ही नहीं है, उनके नाम पे किसने पर्ची काट को पता नहीं है, यानी कि अपने आप को बैकफुट पे लाने का ये काम कर रहे हैं। और हम आपको एक जानकारी और दे देते हैं कि एनआईए और रो का एक साझा जो इन्वेस्टिगेशन दल है बनाई हुई है, वो जल्द जो है यानी कि अगले एक दो दिनों में आबू धाबी दुबई जाने वाली है, जहाँ के दरबार रेस्टोरेंट से डोनेशन का ये बड़ा खेल चल रहा था। और जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो खाड़ी देशों से, यानी कि 23 देशों के ऐसे नाम आए हैं जो दरबार रेस्टोरेंट के माध्यम से यहाँ बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का खेल जो कर रहे थे, और ये जगात के नाम पे मिलने वाले डोनेशन को देश में अशांति का माहौल पैदा करने के लिए खर्च किया जा रहा था, युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था, और उनको हायर करके 40,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे इस माहौल को बिगाड़ने के लिए हायर करने का काम पीएफआई के लोग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अभी हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक और जो बड़ी खबर है, वो एक और जो बड़ी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो भी हम इस वक्त दर्शकों को दे दें। पीएफआई के खिलाफ राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, कई राज्यों में पीएफआई के दफ्तर सील किए गए हैं, केंद्र सरकार के बैन के बाद पीएफआई पर एक्शन लगातार जारी है। तमिलनाडु में यह एक्शन हुआ है, केरल में यह एक्शन हुआ है, मध्य प्रदेश का हमने आपको जिक्र किया, वहां पर भी नोटिफिकेशन आ चुका है, कई राज्यों में पीएफआई के जो दफ्तर थे वो सील कर दिए गए हैं। रवि, यही कार्रवाई हमने देखा है कि दिल्ली में भी जो है, दिल्ली के जो दफ्तर है उस पर भी की गई है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और दिल्ली की यदि बात करें तो समय से पहले, यानी कि पहला नंबर दिल्ली का, 3 दिन पहले ही इन्होंने शाहीनबाग के कार्यालय को सील कर दिया। दिल्ली क्राइम ब्रांच और स्पेशल ब्रांच ने 30 लोगों को यहां गिरफ्तार किया है। शाहीनबाग से जो है 12 गिरफ्तारियां हुई, 8 गिरफ्तारियां जामिया से हुई, 7 से 8 लोग गाजियाबाद से पकड़े गए, 2 लोग रोहिणी से पकड़े गए, इस तरह से 30 गिरफ्तारियां दिल्ली से हुई है। और राज्यों को खुली छूट इस नोटिफिकेशन में दी गई है कि वो जो है अपने अकॉर्डिंग जिस तरह की उनको नीड है उस तरह के फैसले पीएफआई पे बैन को लेकर, उनके अलग से कार्रवाई को लेकर, क्योंकि राज्य पुलिस जो है वो इन कार्रवाई में जो है इन्वॉल्व, 257 लोगों को हिरासत में लेने के बाद 170 लोगों को ऑन रिकॉर्ड जो है पीएफआई के जो जुड़े हुए लोग थे उनको गिरफ्तार राज्य पुलिस कर चुकी है, और उनसे लगातार जो है पूछताछ जारी है, क्योंकि किसी को 5 दिन 6 दिन 7 दिन, हाइएस्ट जो है 10 दिन के रिमांड पर दिया गया है। और जिस तरह के खुलासे लगातार हो रहे हैं वो राज्य पुलिस लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन को ओपन रखे हुए आगे बढ़ा रही है, और उनसे जुड़े लोगों से अब भी जो है हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर छापेमारी कर पूछताछ को आगे बढ़ा रही है। और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से आप और हम सचिन अभी बात कर रहे थे कि पीएफआई जाएगी, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से तमाम राज्यों की बात करें, 15 राज्यों में इस तरह के आपत्तिजनक जो है चीजें, भयंकर सबूत, मजबूत फाइलें और बेस जो है वो इस केस का इतना मजबूत है कि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला कहीं टिक पाएगा, और इसमें कहीं बेनिफिट जो है वो सोच भी सकते हैं कि पीएफआई के लोगों को कोई बेनिफिट कोर्ट से मिल पाए।